है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म के आचार्य गुरुवर से कुंड भगवान के आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की प्राय सब लोगों को ये ज्ञात है। पानी में आप यदि तैरना नहीं जानते हैं अवश्य डूबेंगे, इसलिए उस पानी से आप बचते हैं। बचने का अर्थ यह है कि उसके कारण हमारे प्राण सुरक्षित नहीं रहते। किंतु जब इस दिशा में हमें ज्ञात होता है, वर्षा के दिनों में पानी की बाढ़ आती है, तो उससे हम कैसे बचें, किस ढंग से अपने प्राणों की रक्षा करें, इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जब प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण ले लेते हैं, तो आप पानी में डूबते नहीं। ये पक्का हो गया, पानी में डूबना अनिवार्य नहीं है। हम यदि उस कला को हासिल करते हैं, अवश्य ही डूबने से बच सकते हैं और बच जाते हैं। किंतु जब हम पानी में डूबने से बच जाते हैं, तो क्या हवा में गिरने से भी बच सकते हैं? हवा में ऊपर जाओ और वहाँ से हाथ वगैरह छोड़ करके जैसे पानी में आप डुबकी लगा सकते हो, तो हवा में भी लगा दो। नहीं होगा। इस दिशा में हमने सोचा नहीं, इसलिए तो ये तो संभव नहीं हो सकता। ये तो संभव ही नहीं हो सकता। उसी बीच में मान लो आप खड़े वहीं पर है और एक ऐसा दृश्य देखा, घटाएं छा गई और देखते देखते घटाएं पूरी की पूरी बरसने लगी। घटाएं ऊपर थी, नीचे कहीं और आएंगी, पानी नीचे गिरेगा, हवा में कोई भी तैर नहीं सकता, ये स्पष्ट हो गया। लेकिन फिर भी व्यक्ति का एक सोच विचार रहता है, एक प्राय जिसको बोलते हैं वह तो हम स्वीकार कर लें, किंतु पक्का 100% कह दें तो ये संभव नहीं हो सकता। यद्यपि हम पानी में हवा में बच नहीं सकेंगे, नीचे आएंगे ही। बुद्धि कहती है नीचे आए, ऐसा नियम तो नहीं बनाना चाहिए। बाजार तो बाजार है, लेकिन नियम ही बना दे, ऐसा नहीं बचा सकते हैं। तो देखते देखते ऐसा ही ऐसी घटना घट गई। पत्थरों के ऊपर पानी गिर रहा था, गिर रहा था, गिर रहा था, और पत्थरों के ऊपर पानी आकर के रुक गया। सुन रहे हो? हाँ, ऐसे ऐसे वह रुक गया और वह झूल गया।
झूल गया, जैसे पक्षी वगैरह झूलते रहते ना मनोरंजन से, ऐसा वहाँ पानी झूमने लगा किंतु नीचे की ओर नहीं आया। शत प्रतिशत एकदम स्वीकारता मध्यु, ये तो संभव नहीं है। अरे संभव नहीं है ऐसा नहीं है, असंभव भी संभव हो जाता है। कब हो जाता है? जब उस ओर हम देखने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं और उसका अध्ययन करना उपक्रम प्रारंभ हो जाता है, निश्चित रूप से वह हो सकता है। जब पानी आसमान से नीचे आता आता यदि उसके जमने योग्य वातावरण बन जाता है तो वह, बोलो ना, अभी शत प्रतिशत तालियां नहीं आए। देखो ये आप लोग देखा देखे बजाते रहते हो, आपका जो कोई भी निर्णय है वह बुद्धिपूर्वक नहीं है। आपका निर्णय अहम भूमिका के साथ नहीं है। आपका निर्णय अड़ोस पड़ोस से यदि तालियां बज गई तो हम भी बजा दो, तो कोई व्यक्ति बजाता 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 लाश वाला पूछता है क्यों भैया तालियां क्यों बज रही है, आगे वाले बजा रहे इसलिए तो हमारे बज गए। हम उस लाइन में खड़ा होना नहीं चाहते हैं और न ही आपको खड़े होने के लिए हम इशारा करेंगे। निर्णय हमारा नहीं हो रहा है ये बात अलग है, किंतु इन्होंने जो निर्णय ले लिया वही मेरा है, ये गलत है। इसके बारे में हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा, ये बात अलग है। तो इतने हम अपने परिणामों में कि जमाव खोर जिसको बोलना चाहिए बना दे तो जो पिघलने वाला भी और वह जम जाए। इसी प्रकार जो नीचे गिरने का आत्मा का स्वभाव प्राय करके था, ऐसे एक व्यक्ति ने जमा दिया, नहीं मैं कभी भी गिरूंगा नहीं और एक बार उठूंगा तो ऊपर की ओर ही जाऊंगा नीचे की ओर नहीं। उन्हीं में से ऐसे एक आध महान विभूति हमारे में से ही निकल जाती है और हम देखते रह जाते हैं धरती के पूत, और ये धरती के पूत हो करके भी अधर में वो चले गए और एक धारणा के लिए हम लोगों के लिए मजबूर करके गए हैं, तुम्हारा ऐसी धारणा मत रखा करो, ऐसा भी संभव है, ऐसा भी संभव है। ये कब संभव है? अरे अभी तो देखा स्थावर था और वह वहीं के वहीं टिक गया, गिर रहा था वहीं पर टिक गया। इसी प्रकार हमारा परिणाम यदि इस प्रकार उस अविनाश्वर पदार्थ के ऊपर टिक जाता है तो गिरने का सवाल समाप्त हो जाएगा। इतना ही कहना चाहता हूँ। सुना था यहाँ पर 3-4 कॉलोनी है तो कल रामचंद्र भी हो गए, अंजलि नगर भी हो गया और ये कॉलोनी भी हो गया, नहीं हुआ ये भी निर्णय नहीं अभी नहीं हुआ। अच्छा कोई और देखो पीछे पीछे वाले तो निर्णित हो गए, अब महाराज जी घूमना तो संभव नहीं, लेकिन आजू बाजू और आगे वाले तो इस निर्णय को मानेंगे नहीं,
वो कहेंगे अवश्य अवश्य अवश्य। यह तो संभावना को लेकर के तालियां बजती है कि संभावना भीतर की भावनाओं की धरा पर उठती है और उसके कारण बाहर में भी आकर के हलचली मचा देती है। ऐसे कौन सी कोने में बैठी है वो आत्म तत्व जो कि इस प्रकार बार बार उस कठोर निर्णय, यद्यपि वह निर्णय कठोर माना जाता है, उसके लिए भी वह सोच विचार करता है आत्म तत्व की महिमा दिसना जिसने पाई है वही जानता है। लेकिन वह जान करके अपने अभिव्यक्ति शब्दों में यदि नहीं कर पाता है, फिर भी भावों के द्वारा, अपनी मुख मुद्रा के द्वारा, अपने उल्लास के द्वारा हम लोगों के लिए वह अभिव्यक्त करता है। वह हमारे निर्णय के लिए, हमारे भीतर जो कोई भी संभावनाएँ हैं उनको भविष्य का रूप देने के लिए अवश्य प्रेरणाप्रद होता है। अहिंसा परमो धर्म की।